आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का फीता काट कर किया शुभारंभ। महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में किया रक्तदान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 40,000 यूनिट रक्तदान का रखा गया है लक्ष्य। लूट चोरी व ठगी की सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने वाले 8 अंतरराज्यीय सातिर लुटेरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9,500 रुपए नगद, चोरी की चेन, एक हाथ का कंगन, 2 अंगूठी, 1 जोड़ी का कान का झुमका सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा महानगर के द्वारा नौकायन स्थित पार्क में उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। महापौर सीताराम जायसवाल ने चित्र प्रदर्शनी का फीता काट कर किया शुभारंभ, किया अवलोकन। तिवारीपुर स्थित बिना मान्यता के चल रहे मदरसे का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने किया सर्वे। मदरसे के संचालन का जाना स्रोत, कहा मदरसे में 200 छात्र ले रहे हैं शिक्षा, लोगों के चंदे पर चल रहा है मदरसा, शासन को भेजा जाएगा सभी मदरसों का रिपोर्ट। धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न मेडिकल कोर्स में छात्र छात्राओं को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त फर्जी तरीके से राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में प्रवेश देकर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए प्रवेश देना व परीक्षा में फर्जी तरीके से शामिल कराकर परिणाम न देने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 अभियुक्तों को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। दंपत्ति से हुई लूट की घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को कैंपेगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, 4,970 रुपया नगद, 1 पायल लॉकेट किया बरामद। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इंडियन स्वच्छता लीग का नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नौकायन पर झाड़ू लगाकर किया शुभारंभ। कहा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती तक जनपद में विशेष रूप से चलाया जाएगा सफाई अभियान। गोरखपुर को स्वच्छता में देश में बनाया जाएगा नंबर 1।